विराट कोहली का जादू मैदान पर बरकरार है और बरकरार है आईसीसी की रैंकिंग में उनका जलवा। आईसीसी ने आज टेस्ट बल्लेबाजों की जो सूची जारी की है उसमें विराट कोहली नंबर वन पर बने हुए हैं। विराट को 922 रेटिंग अंक मिले हैं। विराट के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 913 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारत के चेतेश्वर पुजारा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं और उन्हें 881 रेटिंग अंक मिले हैं, जबकि एक साल से क्रिकेट से दूर चल रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीवन स्मिथ 857 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। गेंदबाजों की सूची में टॉप 10 में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, रविंद्र जडेजा 794 अंकों के साथ छठे और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 763 अंकों के साथ 10वें स्थान पर हैं। T20 और वनडे क्रिकेट की तरह जल्द ही टेस्ट क्रिकेट में भी नो बॉल फेंकने पर बल्लेबाज को अगली गेंद पर फ्री हिट मिल सकती है। आईसीसी की बैठक में इंग्लैंड के माइक गेटिंग और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन ने ये प्रस्ताव रखा। बैठक में वॉन ने कहा कि समझिए मैंने एक गेंद डाली और अंपायर ने उस पर आउट दे दिया, लेकिन इस पर रेफरल मांगा गया। बाद में पता चला कि ये तो नो बॉल थी और बल्लेबाज को लगा कि वह तो आउट हो गया, जबकि वह आउट था ही नहीं। वहीं उसके बाद उसे इस गेंद पर फ्री हिट मिल रही है। सोचिए कि दर्शक कैसा महसूस करेंगे। दर्शकों का इससे खेल में रोमांच बढ़ेगा और वे घर जाकर भी इस पर बात करेंगे। प्रसारण विवाद पर सहमति न बनने के बाद अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम को जिम्बाब्वे में 5 वनडे मैच खेलने थे। अफगानिस्तान इस सीरीज के खर्चे को जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ साझा करने पर सहमत हो गया था, लेकिन मैचों के टीवी प्रसारण के मुद्दे पर विवाद हो गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचों का टीवी पर प्रसारण करने के बजाय इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने पर आपत्ति जताई। इंग्लैंड में होने वाले वनडे विश्व कप से पहले अफगानिस्तान की टीम 18 से 28 अप्रैल तक जिम्बाब्वे के दौरे पर जाने वाली थी। एफसी गोवा की टीम अपने घर मुंबई सिटी एफसी से 0-1 से हार गई, लेकिन सेमीफाइनल के पहले चरण में मिली बड़ी जीत के सहारे वो हीरो इंडियन सुपर लीग के फाइनल में पहुंच गए। गोवा ने मुंबई को उसी के घर पहले चरण के सेमीफाइनल मैच में 5-1 से हरा दिया था। इसी कारण वह दो चरण की समाप्ति के बाद 5-2 के कुल स्कोर के साथ फाइनल में पहुंची। फाइनल में गोवा का सामना रविवार को बेंगलुरु एफसी से होगा। बेंगलुरु ने नॉर्थ ईस्ट को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।